नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होली को लेकर जारी हुई विशेष गाइडलाइन के बारे में। होली का त्यौहार इस साल बस आने ही वाला है। हर साल होली के मौके पर लोग अपने दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ इस त्यौहार का लुत्फ उठाते देखे जाते हैं, लेकिन पिछले साल से होली के इस त्यौहार पर कोरोना नाम का ग्रहण लगा हुआ है। हालांकि पिछले साल इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाले एक साल में हम कोरोना से जंग जीत लेंगे, और इस साल के शुरुआत में मामलों में आई कमी के बाद ये सच भी साबित होता नजर आ रहा था। मगर होली से ठीक पहले एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने फन फैलाना शुरू कर दिया है। जहां कोरोना प्रभावितों की संख्या 10,000 के नीचे दर्ज की जा रही थी, वहीं अब मामलों ने एक बार फिर से विकराल रूप ले लिया है, जिसके तहत ही अब मामलों की संख्या एक बार फिर से 50,000 के आसपास दर्ज की जा रही है। ऐसे में मामलों में हो रही बढ़ोतरी का असर अब आने वाले त्यौहार में देखने को मिलने वाला है, जिसके तहत ही अब होली को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत एक बात तो तय है कि पिछले साल की भांति इस साल भी होली का यह त्यौहार घरों में कैद होकर ही मनाना होगा। कई राज्यों ने तो मामले में आई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सामूहिक आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप ही देश की राजधानी दिल्ली में किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। मुंबई और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही नियम बनाए गए हैं। बिहार में होली मिलन समारोह नहीं हो पाएंगे तो मध्य प्रदेश में भी लोगों से घर के भीतर होली मनाने की अपील हो रही है। आइए जानते हैं होली को लेकर देश भर में क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही ट्रेनों, बसों और विमानों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन होगा। कोरोना केस वाले राज्यों से आने वालों का कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। पॉजिटिव होने पर क्वारंटीन किया जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश और बिहार की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से घरों के भीतर होली मनाने की अपील की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी साफ किया है कि होली के मौके पर कोई मेला नहीं होगा। इसके साथ ही राज्य के स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भले ही कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, लेकिन अब मामलों की संख्या 100 के आसपास या उससे ज्यादा दर्ज की जा रही है, जिसके तहत ही बिहार सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सभी लोगों से घर पर रहकर ही होली खेलने की बात कही है। वहीं अगर अब हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ प्रशासन ने होली से जुड़े सभी समारोहों पर रोक का आदेश जारी किया है। मतलब होली मिलन समारोह नहीं हो पाएगा। क्लब, होटल और रेस्टोरेंट में होली पर कोई गैदरिंग नहीं होगी। उन्हें अपनी सिटिंग कैपेसिटी के 50% पर ऑपरेट करने को कहा गया है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के तहत किसी मेला या प्रदर्शनी की इजाजत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के मामलों को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने सीनियर सिटीजन और खतरे वाले ग्रुप्स को होली मनाने से बचने को कहा है। बिना प्रशासन की अनुमति से किसी जुलूस या समारोह की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही 31 मार्च के बीच 8वीं तक स्कूलों में होली की छुट्टी रहेगी। बात ओडिशा की करें तो यहां भी होली सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। ओडिशा सरकार ने भी इस साल होली से जुड़े समारोह पर रोक लगा दी है। पब्लिक प्लेसेस पर होली नहीं खेल सकेंगे। घरों में होली खेलने पर कोई रोक नहीं है। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के कारण होली में सरकार भी अब सतर्क होकर काम कर रही है, जिसके तहत ही सरकार ने होली से पहले कोरोना से बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका पालन करने की गुजारिश सभी से की गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।